राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान दमकल कर्मचारियों ने स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन व अग्नि सुरक्षा संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अग्निशमन अधिकारी गोपाल दास व उनकी टीम ने विद्यार्थियों को प्रायोगिक रूप से आपदा से निपटने की गतिविधियां करवाई ताकि आपदा के दौरान नुकसान को कम किया जा सके। इस दौरान घायल अवस्था में व्यक्ति को अस्पताल ले जाने और आग से बचाव के उपायों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने विद्यार्थियों से भूकंप या किसी आपदा के समय संयम रखने व धैर्यपूर्वक कार्य करने का भी आह्वान किया। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को आपदा के दौरान भवनों से बाहर निकलने के सही तरीकों के बारे में बताया गया। गोपाल दास ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं तो इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेरा नाम गोपाल दास है, मैं फायर ऑफिसर चंबा में हूँ और आज हम यहाँ सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को फायर सेफ्टी के तरीकों के बारे में बताएंगे कि अगर छोटी आग को किस तरह बुझाया जाए और LPG आग को हम किस तरीके से बुझाएंगे, और हम थोड़ा सा इसके बारे में भी इनको बताएंगे कि जैसे कोई भी डिजास्टर हो जाता है, आपदा आती है, तो हमने कैसे कैजुअल्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाना है और उनका बचाव करना है। और इसके अलावा सर, जैसे अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है सर, हाँ जी, तो उसको लेकर भी आपकी क्या तैयारियाँ रहेंगी सर उसके बारे में? उसको लेकर हमारे अपने डिपार्टमेंट के तौर पे होती है, हम पहले तो जो नियरेस्ट हमारे यहाँ पर जितने भी फायर हाइडेंट है, हम उनको देखते हैं कि वो प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। अगर इनकेस कभी भी फायर हो जाती है तो हम वहाँ से पानी ले के किसी भी आग पर हम काबू पा सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।